आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और तकनीक लेकर आए हैं सम्मोहन की। जो आज की तकनीक हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हमारी चुटकी जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि चुटकी बजाकर सम्मोहन कर लेना, वो कैसे किया जाता है, वही तकनीक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि सम्मोहन से हम बाहर कैसे लेकर आते हैं, सम्मोहन से वापस कैसे लाया जाता है। इसके साथ साथ ये तो हम आपको तकनीक दिखाएंगे ही, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे वीडियो के अंत में कहूँगा। तो वो इम्पॉर्टेंट बात जो है और साथ साथ सम्मोहन के बाहर से लाने की जो तकनीक है, उन सबको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और तकनीक दिखाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट भी ज़रूर करें। So now you have to follow my hands. One, two, three, four, five, six. Just relax. Go deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें आपने देखा था कि कैसे जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो अपने सब्जेक्ट को चुटकियों की मदद से सम्मोहित करते हैं। जो वीडियो बनाई गई है ये हमारे स्टूडेंट्स की, जो जब वो सीख रहे होते हैं उस समय हम ये वीडियोस बनाते हैं उनके प्रैक्टिस करते हुए, और वही जो टेक्निक्स हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब उस टेक्निक के अंदर आपने देखा था कि जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो अपनी चुटकी की मदद से अपने सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करते हैं। अब हम चुटकी का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कैसे वो चुटकी पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं, लेफ्ट लेके जाते हैं, राइट लेके जाते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, उनको थोड़ा सा ये बता सके कि हाँ आपका जो सारा ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी चुटकी के ऊपर रहेगा और जहाँ मेरी चुटकी जाएगी वहीं पर आपको देखना है। इस समय जो सब्जेक्ट है उनको पता है कि मुझे क्या कहा गया है और मुझे क्या चीज़ करनी है। तो जब वो ये चीज़ को फॉलो करते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को चुटकी को इस समय देखना है ऊपर, अभी नीचे देखना है, अभी लेफ़्ट देखना है, अभी राइट देखना है, तो जब वो इन सारी कमांड्स को फॉलो करते रहते हैं तो वो उनका जो माइंड है वो एक पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देता है। वहीं हम पैटर्न को बीच में एकदम से रोक के उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करके हम हिप्नोथेरेपी जो होती है, हिप्नोसिस जो होता है, उसको इंड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक थी वो यही थी कि कैसे हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं चुटकी की मदद से। ये तो इंडक्शन की टेक्निक्स होती हैं, जब आप एक इंसान को हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो आप हिप्नोसिस की मदद से उनकी जो अलग अलग मानसिक परेशानियाँ होती हैं उनको दूर कर सकते हैं, उनका जो मानसिक विकास होता है उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा था कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, कैसे हम चुटकी की मदद से हिप्नोटाइज कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम सम्मोहन से अब इंसान को, सब्जेक्ट को बाहर कैसे लेकर आए, तो वो देखने के लिए सबसे पहले आइए हम तकनीक देखते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हम अपनी चुटकी की मदद से हिप्नोटाइज कैसे कर लेते हैं, हिप्नोसिस को कैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये क्या टेक्निक रहती है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है, क्या कमांड्स हमें देनी होती है, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपने आज की वीडियो में देखा है। आपने टेक्निक भी देखी है और हिप्नोसिस से बाहर लानी टेक्निक भी देखी है। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी वो ये है कि हमारा व्हाट्सएप के ऊपर भी अब हिप्नोथेरेपी के जो कोर्सेज हैं वो शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा कोर्स था सेल्फ हिप्नोसिस का, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा वेबसाइट के ऊपर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस का कोर्स अवेलेबल हो चुका है और ये आपको PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप के ऊपर भेजा जाएगा। ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हिप्नोसिस के साथ साथ हम और भी जो अलग अलग कोर्सेज हैं हिप्नोसिस के और बाकी साइकोलॉजी के, वो भी धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो जो अगला कोर्स आएगा वो हमारा काउंसलिंग का कोर्स है, तो वो कब लॉन्च होने वाला है, वो कब अवेलेबल होगा आप सभी के लिए, उसके लिए हमसे अपडेटेड रहें, हमें कॉन्टैक्ट करते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द बस कुछ ही दिनों के अंदर आप वो जो काउंसलिंग का कोर्स है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो फिर से मैं कहूँगा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।
और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कोई नया टॉपिक अगर आपके मन में आता है तो उसको कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।